तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं कालेश्वर भैरवनाथ मंदिर और अभी हम जा रहे हैं कालेश्वर भैरवनाथ मंदिर के रास्तों से नीचे। यह है दोस्तों हमारी गाड़ी दयाल लोडिंग सर्विस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ राज में। और ये है मेरे बड़े भैया गौरव कुमार, इनका भी यूट्यूब चैनल है पहाड़ी गढ़वाली लौंडा नाम से। और दोस्तों आज मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ मेरे भैया की है गाड़ी हमारी है, और मतलब हमारी गाड़ी है, छोटा हाथी भी नहीं है पर उससे थोड़ा हल्का बड़ा है। और आज मतलब गाड़ी को लिए तो करीब दो साल से अधिक हो गया है, दो साल होने वाला है करीब। और लेकिन गाड़ी आज तक देहरादून में ही चल रही थी, तो मैंने भी कभी देखा नहीं था अपनी गाड़ी को, और आज पहली बार मैं भी अपनी गाड़ी को देख रहा हूँ। और आज मैं बैठा भी हूँ अपनी गाड़ी में, तो मुझे अच्छा फीलिंग आ रहा है पहली बार अपनी गाड़ी में बैठ कर। और अभी हम जा रहे हैं कालेश्वर भैरवनाथ जी के मंदिर में, तो क्योंकि हमारे यहाँ एक मतलब एक प्रचलन है, एक आस्था भी है कि जब भी कोई व्यक्ति नई गाड़ी लाता है तो सबसे पहले कालेश्वर भैरवनाथ जी के मंदिर में या अपने कुल देवता के मंदिर में जाते हैं एक बार गाड़ी को लेकर। तो जो कि हमारी गाड़ी करीब दो साल में पहली बार घर आ रही है, तो इससे पहले हम कभी नहीं ले गए गाड़ी वहाँ पर, तो आज हम लेके जा रहे हैं कालेश्वर भैरवनाथ जी के मंदिर में। तो दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये रहा दोस्तों कालेश्वर भैरवनाथ जी का मंदिर। पूजा पाठ होने वाली है नी, दोस्तों हम पहुंच गए हैं कालेश्वर भैरवनाथ मंदिर और अभी हम जा रहे हैं कालेश्वर भैरवनाथ मंदिर के रास्तों से नीचे। और यहाँ पर लोगों ने चढ़ाए हैं ढेर सारे घंटियाँ, ये देखिए जिन्हें हम गढ़वाली में घान कहते हैं। तो दोस्तों ये घंटियाँ उन्होंने चढ़ाई रहती है जिनकी मनोकामनाएँ पूरी होती है, तो शायद बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएँ कालेश्वर भैरवनाथ जी ने पूरी की है, इसलिए यहाँ पर इतनी सारी घंटियाँ लोगों ने चढ़ाई है। आज हम भी पूजा करने आए हैं क्योंकि हमारी गाड़ी पहली बार घर पर आई है। और आप बने रहे दोस्तों साथ में, आपको दिखाते हैं कालेश्वर भैरवनाथ मंदिर जी के शानदार दृश्य। ये रहा दोस्तों आपका कालेश्वर भैरवनाथ जी का मंदिर।
दोस्तों हम मंदिर पे पहुंच चुके थे, लेकिन जल्दबाजी में जो माँ ने पूजा का सामान दिया था घर से वो गाड़ी में ही रह गया, इसलिए मुझे दोबारा जाना पड़ रहा है गाड़ी तक और वहाँ से पूजा के सामान को लेकर जल्दी से मंदिर में जाना है। अभी मंदिर में पूजा करने में टाइम लगेगा क्योंकि जो मंदिर के पुजारी हैं वो अभी अन्य लोगों की पूजा को कर रहे हैं। दोस्तों हमारा जो सामान छूटा था पूजा का वो मैंने घर से निकाल लिया है, मेरी माँ ने घर से इसमें पूजा का सामान भरा है, पूजा का सामान मैं ला चुका हूँ और अभी हम दोनों भाई अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अभी हमारी पूजा भी संपन्न होगी। तो दोस्तों हम आए थे कालेश्वर भैरवनाथ और हमारी हो गई पूजा संपन्न। अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, थोड़े यहाँ के शानदार दृश्य दिखाएंगे आपको कालेश्वर के, उसके बाद हम घर की तरफ निकलेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बने रहें आप मेरे साथ। और इसमें जा रहा है घर के लिए प्रसाद।
हम हैं अभी कालेश्वर में या जिलासू, जिलासू और कालेश्वर का ये एरिया है और ये है हमारे जो नीचे जा रही है ये अलकनंदा नदी, और इस पुल के नीचे से अलकनंदा नदी बह रही है। और दोस्तों ये बहुत ही शानदार शानदार पुल बना हुआ है यहाँ पे। ये रेलवे के द्वारा ये पुल बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का एक स्टेशन बन रहा है यहाँ पे, जो कर्णप्रयाग नाम से जो रेलवे स्टेशन है वो यहीं पर बन रहा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों शानदार नज़ारा पुल का, और ये अलकनंदा नदी यहाँ पर बह रही है। और ये पार जहाँ पर नदी के पार हम अभी मंदिर में पूजा करने गए थे, कालेश्वर भैरवनाथ मंदिर में, बहुत सुंदर है दोस्तों यहाँ पर। आप लोग भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग भी यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं, घूमने आए यहाँ पर, फोटोग्राफी करें। आजकल लोग यहाँ पर रील बना रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार व्यू दोस्तों। और ये रही दोस्तों अलकनंदा नदी, जो कि आपके बद्रीनाथ माणा से बहकर आ रही है, और कई छोटी छोटी नदियाँ मिलकर यहाँ पर ये बड़ी बन जाती है, अलकनंदा नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर काफ़ी फैलाव है, कर्णप्रयाग आते आते नदी का बहुत फैलाव है, जबकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ही बारीक है नदी का बहाव, और ज़्यादा फैलाव नहीं है नदी में, देख सकते हैं दोस्तों आप। ये है पुल का स्ट्रक्चर जो कि रेलवे के द्वारा बनाया गया है, और उस तरफ जहां आपको हरे हरे खेत खलिहान दिख रहे हैं वहां गए थे हम पूजा करने। और यह है कालेश्वर का एरिया, ये देख सकते हैं दोस्तों, यह है कालेश्वर का एरिया, और यहीं पर है कालेश्वर भैरवनाथ जी का मंदिर। ये रेलवे का काम लगा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों हमारी गाड़ी दयाल लोडिंग सर्विस, और आप अगर देहरादून में कुछ भी आपको सब्जी या कुछ भी छोटा मोटा सामान इधर से उधर ले जाना है तो आप दयाल लोडिंग सर्विस को एक बार मौका दें काम करने का। ये है मेरे बड़े भाई जो कि इस गाड़ी को चलाते हैं, और आज हम इसी गाड़ी की पूजा के लिए हम यहाँ पे आए थे, और यहाँ पर हमने भैरवनाथ मंदिर जी का एक साड़ा भी इस पर लगाया हुआ है, एक इस तरफ लगाया है और एक इस तरफ लगाया है दोस्तों। तो यह है दोस्तों हमारी एक छोटी सी गाड़ी, और हमारी गाड़ी ने भी आज भैरवनाथ जी के दर्शन कर दिए। तो दोस्तों अब हम निकलते हैं घर की तरफ, आज का दिन बहुत ही शानदार रहा। मैं गैरसैंण से आया, और गैरसैंण से आने के बाद हम कालेश्वर भैरवनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए आए, क्योंकि हमारी गाड़ी पहली बार घर पर आई थी और हमने पूजा पाठ कर दिया है। अब हम निकलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक रखें आप सभी अपना ख्याल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।